ऑल सेट। वो भाई कहाँ जा रहा? ओवे ओवे हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ करण और आप देख रहे हैं कैमरा वॉइस। ये वीडियो सबसे पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने वीडियो देख ली तो आपके अंदर बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप किसी भी पर्वत को पार कर जाएंगे, किसी भी पहाड़ को तोड़ के निकल जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर TRB की स्टोरी है। कहानी ये है कि यार 4 महीने पहले मैंने बेचारे के अंदर थोड़ा सा चुल कर दिया था, डंडा दे दिया था, भाई मेरे को ऑडियो दे, जल्दी से ऑडियो दे। उस बेचारे ने भाई ने मेरे को जल्दी से बेचारा नहीं है उस भाई ने मुझे जल्दी से ऑर्डर दिया, ले भाई पकड़ जल्दी से वीडियो बना, ठीक है। अब मैं गायब, मैं गोल, 4 महीने बाद में ये अपलोड कर रहा हूँ। जनवरी का था, अब ये 5वां महीना एंड होने वाला है, मिड भी हो गया है। ये ऑडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, और लॉकडाउन है तो मेरे बाल इग्नोर। ये ऑडियो सुनो, समझो और आगे शेयर कर देना। मिलता हूँ मैं आपको ऑडियो के मिड में। Hello everyone, I am TRV. You guys might be knowing me from my meme page or my blogs. You all probably have seen my meme and my editing style. And I still get a lot of questions regarding how I edit my videos and from where I learned. तो यहाँ पे मैं कुछ सवालों का जवाब देने वाला हूँ जो कि मुझे करण ने पूछा है उनके इस कोर्स के लिए। जॉब कैसे मिली, अर्न कैसे कर रहे हो? अभी जो मेरे पास लाइक कोई एक जॉब नहीं है, हाँ एक मेरा है लाइक फिक्स जॉब 4 मंथ्स के लिए, तो ये तो मुझे काइंड ऑफ लकीली मिल गया। मैंने ट्विटर पे एक ऐसे रिप्लाई कर दिया था एक CEO को एक कंपनी का, और उसका मैं सॉर्ट ऑफ फैन था, उसका मैं पॉडकास्ट वगैरह सुनता था, उसका कंपनी का कंटेंट कंज्यूम करता था, तो मैं सॉर्ट ऑफ फैन था उनका, तो उनको मैंने रिप्लाई किया और फिर बात हुआ, फिर मुझे ये मिल गया। बट ये ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मिल गया जॉब, ये मुझे एडिटिंग का एक्सपीरियंस था, प्लस मेरा पोर्टफोलियो तो नहीं कहूँगा बट जो मीम पेज है उसमें से थोड़ा हेल्प हुआ। लाइक उन्होंने मेरा मीम्स वगैरह देखा जो पहले का पोस्ट किया हुआ था और उनको वो पसंद आया, तभी जाके मुझे ये मिला है। तो अर्निंग उसी से होता है और प्लस एक दो साइड हसल, लाइक साइड हसल भी नहीं, लाइक वीडियो एडिटिंग का ही है सब, सो एक ही कैटेगरी का हुआ वीडियो एडिटिंग का। एक दो और क्लाइंट्स है जो मुझे लाइक देते हैं काम करने के लिए। मैं इसको लाइक एक्टिवली परस्यू तो करता हूँ बट लाइक वैसा नहीं करता हूँ जैसे किसी को अगर पैसे बनाने वो जैसे करता होगा। लाइक अगर मैं थोड़ा और एफर्ट दूँ क्लाइंट्स वगैरह ढूंढने में जो कि हाई पे करे तो शायद मैं इससे और ज़्यादा अर्न कर पाऊँ, बट अभी के लिए लाइक जैसा है वैसा फ्लो के साथ चल रहा हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखा कहाँ से? तो मैंने सीखा है वैसे वीडियो एडिटिंग वगैरह का मुझे नॉलेज थोड़ा बहुत बहुत पहले से ही था लाइक खुद कर करके, बट जो Adobe प्रीमियर प्रो है वो मैंने 2017 में सीखा था lynda.com से। lynda.com कोई फ्री वेबसाइट नहीं है, वो पेड है, और उसी लिए मैंने स्पेसिफिकली वहाँ से सीखा क्योंकि उस टाइम यूट्यूब पे लाइक उतना अपडेटेड ट्यूटोरियल्स नहीं था, तो मुझे पता था कि वो सोर्स ज़्यादा अच्छा होगा। अब लिंडा का आईडी और पासवर्ड मुझे फेसबुक के ग्रुप से मिला था, बट ये मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूँगा। मैं करूँगा कि आपको पेड जगह से सीखना है तो आप थोड़ा रिसर्च करिए और देखिए कि कौन सा कोर्स सही रहेगा। लाइक सब कोर्सेज का इंट्रो वीडियो होता है, तो जिसका इंट्रो वीडियो आपको सही लगे वो ही चूज़ कीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिग्री का यूज़ करा कभी? डिग्री मेरा लाइक लास्ट ईयर ही खत्म हुआ है, लाइक कॉलेज खत्म हुआ है, तो अभी तक हाथ में नहीं आया डिग्री, बट डिग्री का ना कभी ज़रूरत पड़ा है और ना कभी ज़रूरत पड़ने दूंगा। तो डिग्री बस ऐसे ही पेरेंट्स को चाहिए था तो वो ले लिया बस। डिग्री से मेरा तो कोई दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, लाइक उतना एक्टिवली उस पर वो ध्यान भी नहीं दिया था डिग्री को, तो उसका यूज़ करूँगा फ्यूचर में तो काइंड ऑफ डिसऑनेस्ट हो जाएगा। फ्रीलांस वर्क कैसे मिलता है? ऑनलाइन ट्राई करा जैसे फाइबर? हाँ मैंने फाइबर वगैरह ट्राई किया था 2019 के आसपास शायद, हाँ सबसे पहले फ्रीलांसर, फिर फाइबर, फिर अपवर्क में प्रोफाइल बनाया था, बट अपवर्क में वेरीफाई नहीं हुआ क्योंकि मैं कहीं पे भी अपना रियल नेम वगैरह यूज़ नहीं करता हूँ, वो अपवर्क से तो डिक्लाइन हो गया, बट फ्रीलांसर और फाइबर में प्रोफाइल बनाया था, बट आज तक कभी भी वहाँ पे काम नहीं मिला। उतना मैंने उन सब पे ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया है, लाइक अगर मैं डेली 30 मिनट्स या 1 घंटा करके देता शायद तो वहाँ से मिल जाता, बट अभी तक तो ज़रूरत नहीं पड़ा, तो
मैं सॉर्ट ऑफ बिना वो सब के ही जो भी है क्लाइंट्स वगैरह अभी के लिए मैं रिकमेंड करूंगा दूसरों को कि वैसा साइट्स में ना जाके अगर बेहतर रहेगा कि अगर आप अपना पहले तो स्किल अच्छे से सीखिए और फिर लोगों को कोल्ड ईमेल कीजिए, लाइक थोड़ा रिसर्च करिए खुद से कि कौन किसको आपका सर्विसेज का जरूरत है और किसको आप किस टाइप का वीडियो एडिटिंग का जरूरत है, उनको डायरेक्टली अप्रोच करके देखिए कि कुछ बात बनता है या नहीं। अब साइमन वाला जो क्वेश्चन है ये तो काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि अभी तो मैंने लाइक उसके लिए एडिटिंग करना छोड़ दिया क्योंकि उसको मुंबई बेस्ड एडिटर चाहिए था और मैं मुंबई में नहीं हूँ, फिर भी मैं उसको हेल्प करते रहता हूँ। लाइक छोटा मोटा एडिट होता है कुछ उसके वीडियो में चाहिए होता है उसको, तो वो सब मैं कर देता हूँ। लाइक बट जैसे मैंने कंप्लीट वीडियो में हेल्प किया था कुछ मंथ पहले उसका, लाइक कुछ वीडियोस में, वैसा अभी तो नहीं करता हूँ और अभी उतना टाइम भी नहीं मिलता है। बट साइमन से कैसे बात हुआ ये तो ये बैक स्टोरी बताता हूँ अब मेरा और साइमन का। तो जब 2018 में साइमन ने फर्स्ट टी सीरीज और प्यूडीपाई पे वीडियो बनाया था तो मैंने उसका वीडियो में कमेंट किया था आयरोनिकली कि ऐसा क्यों कर रहा है, हेट करूंगा ऐसा, तो उसने मुझे रिप्लाई किया रहे मैं मजाक कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं भी मजाक ही कर रहा था। तो मैंने भी बोला हाँ मुझे पता है बट नाइस वीडियो। वही उसका फर्स्ट वीडियो था जो मैंने देखा था, साइमन का कुछ और वीडियो देखा और मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो किया। अब जब मैंने इसको उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो किया और जब मैंने मैसेज बटन पे क्लिक किया तो मैंने देखा कि उसने मुझे बहुत पहले से मैसेज भेज कर रखा था, लाइक बहुत मंथ्स पहले से, और वो मेरे मीम्स पे रिएक्ट करता था अपने वीडियोज में, और लाइक उसने जब किसी पे वीडियो बनाया था उसको सेंड किया था, बहुत अच्छा रोस्ट वीडियो था। हाँ अमित भड़ाना पे उसने जो एक रोस्ट वीडियो बनाया था अगस्त ऑफ 2018 में वो उसने सेंड कर रखा था और बोला था रिव्यू के लिए, और लाइक वो सब मैसेजेस पेंडिंग था क्योंकि 2018 में मैं काफी पॉपुलर हुआ करता था और मैं अपना मैसेजेस रिक्वेस्ट कभी खोलता नहीं था, लाइक खोलता भी था तो बहुत कम, तो मैंने देखा नहीं था। तब जाके मैंने और बात किया उससे, तब से दोस्ती है। तो एडिटिंग वगैरह के लिए लाइक बात बात तो करते ही रहता हूँ उसके साथ, तो कभी उसको लाइक जरूरत पड़ा था बीच में तो तब किया था, फिर ऐसे ऐसे ही बातों ही बातों में मैंने हेल्प किया, तो वही तो काइंड ऑफ लाइक जॉब भी था वो, ऐसे जॉब नहीं कहूँगा क्योंकि लाइक बहुत कम ही वीडियोस किया है और लाइक उतना वो भी नहीं था, लाइक ऐसा नहीं कि उसको जॉब जैसे ट्रीट भी नहीं किया था मैंने, बट स्टिल वही है स्टार्टिंग में डिफिकल्टी। वेल वैसा डिफिकल्टी तो नहीं कहूंगा मैं क्योंकि मैं कंप्यूटर्स के साथ बहुत अच्छा था और ये मेरा अनफेयर एडवांटेज था, उसी को मैंने लेवरेज करके वीडियो एडिटिंग में लाइक और अच्छा हुआ और वीडियो एडिटिंग सीखा वैसे करके। तो डिफिकल्टी तो वैसे नहीं था क्योंकि मैं मीम्स वगैरह बना रहा था और मैं इंजॉय कर रहा था जो भी कर रहा था, एडिटिंग सीखना तो डिफिकल्ट नहीं था। पैसे बनाने का बात जहाँ तक आता है वो भी मुझे एक दिन लाइक आउट ऑफ द ब्लू मिल गया, तो उसके बाद से कैपिटलिज्म का शिकार हो गया मैं, तो उसको मैंने अभी तक लाइक डिफिकल्ट स्टेज में नहीं गया हूँ, लाइक बहुत एडिटिंग और पैसे बनाने का कभी मैंने जोर जबरदस्ती क्लाइंट पाने का कोशिश नहीं किया या फिर ऐसा कुछ, तो वैसा डिफिकल्ट तो नहीं था। बैकग्राउंड तो जो भी था बैकग्राउंड का तो कुछ उसमें फर्क नहीं पड़ा क्योंकि लाइक मैं कंप्यूटर्स के साथ अच्छा था तो मुझे तो इजीली हो गया एडिटिंग का वो। और जहाँ तक इंजीनियरिंग की बात है तो मैंने क्लास 11 12th में ये तो सोचा था इंजीनियरिंग करूंगा, बट 12th के बीच तक आते हुए मेरा इंजीनियरिंग से बिल्कुल भी इंटरेस्ट हट गया तो उसको मैंने साइड ही हटा दिया। स्किल्स मैटर करती है या सर्टिफिकेट? वेल ऑब्वियसली स्किल्स मैटर करता है, ये तो सर्टिफिकेट का क्या है, लाइक सर्टिफिकेट का जो लोग बोलते हैं कि सर्टिफिकेट मैटर करता है वो वही लोग होते हैं जो सर्टिफिकेट बेचना चाहते, तो जो लोग बेचना चाहते जैसे कि इंस्टीट्यूशन वगैरह हो गया तो वो लोग इतना एडवर्टाइजमेंट चलाते और इतना लोगों को बोलते हैं कि लोगों को अब वही सच लगता है क्योंकि उसको वो लोग इतना प्रमोट करते हैं, तो इसीलिए सबको लगता है कि हाँ सर्टिफिकेट मिलेगा तो जॉब मिलेगा, ऐसा मेरे एक्सपीरियंस में। और जहाँ तक मुझे लगता है सर्टिफिकेट कभी भी कहीं पर भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है, स्किल्स हमेशा ज्यादा मैटर करेगा इन द लॉन्ग रन। स्टार्ट कब करा जर्नी बताओ? मैंने ये बहुत बार बता दिया फिर से बताता हूँ, तो वीडियो एडिटिंग का जर्नी मेरा 2017 से स्टार्ट किया है, लाइक अप्रैल अप्रैल में मैं इमेज मीम्स वगैरह में था, तो फिर जून में मैंने अपना फर्स्ट वीडियो मीम बनाया था उसको फेसबुक पेज में अपलोड किया था, और उससे पहले वीडियो एडिटिंग मैंने स्कूल वगैरह के लिए किया था 2014 में। 2013 में मैंने अपना फर्स्ट वीडियो एडिट किया था शायद पिकासा से, उसका नाम पिकासा ही था शायद, जो गूगल ने एक्वायर कर लिया था और फिर बाद में बंद हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर यू शुड लर्न वीडियो एडिटिंग ऑनलाइन और ग्राफिक्स? अभी 2021 में
किसी को भी सीखना है तो YouTube में जाओ, YouTube से सीखो। अगर YouTube का ट्यूटोरियल्स अच्छा नहीं लग रहा उतना, तो बहुत सारे पेड ऑप्शंस है लाइक, और बहुत सारे यूट्यूबर्स लोगों का कोर्स भी है, तो जो भी आपको यूट्यूबर पसंद लगता है आप उसका कोर्स कर सकते हैं। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि करण भाई ये कोर्स का पार्ट है। अब यहाँ पे मेरी बात आई है, मतलब मैं करण कैमरा बॉयज, अब मेरी यहाँ पे बात आई है तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि यहाँ पे कैसे काम करने वाला हूँ मैं। अब यहाँ पे मेरा कोर्स था, जो मेरा कोर्स था उसको मैंने ड्रॉप कर दिया था क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे लूप होल थे। आने वाले टाइम में आपके बहुत सारे कोर्स मिलने वाले हैं जो कि मेरी अपनी नॉलेज है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरे इतने सालों का नॉलेज बैंक है, जो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली मुझे अपना नॉलेज बैंक, जो मेरा नॉलेज है उसको बांटना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं सारी वीडियोज़ बनाता हूँ। और इस वक्त जो भी मुझसे जुड़ा हुआ है, थैंक यू आपको, डायरेक्टली मैं मिलता हूँ एंड में। ये एक अच्छा तरीका है सीखने का, क्योंकि जब आप किसी को पसंद करते हैं तो आप उससे और इजीली सीख पाते हैं कंपेयर टू लाइक कंप्लीट स्ट्रेंजर से। अगर आप सीखना चाहे तो, इवन तो मैंने कंप्लीट स्ट्रेंजर से ही सीखा था क्योंकि उस टाइम ऑप्शंस लिमिटेड था, उतना नहीं था। बट आजकल यूट्यूब में भी मिल ही जाता है सब कुछ। बट मैं यूट्यूब का मैं उतना नहीं वो करता हूँ क्योंकि लाइक कुछ अच्छे पेड ट्यूटोरियल्स होता है जिसका वैल्यू बहुत ज्यादा होता है फ्री ट्यूटोरियल से। तो पेड ट्यूटोरियल्स भी डेफिनेटली मेरे साइड से थम्स अप है, तो आपको ट्राई कर सकते हैं वो सब। ठीक है, मेरे ख्याल से इतने क्वेश्चंस है, और अगर कुछ क्वेश्चंस होगा तो मैं उसको आंसर कर दूंगा, और फ्यूचर में ये अपडेट होगा मेरा जो भी ये पार्ट था, और ये version 1 है मेरा, और इसका version 2 शायद फ्यूचर में आ जाए और ये रिप्लेस हो जाए या फिर इसके साथ ही अपेंड हो जाए, अब जो भी हो फ्यूचर में देखा जाएगा। आप सभी को वीडियो एडिटिंग सीखने की जर्नी में बेस्ट ऑफ लक। सॉरी अगर मेरा ये लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट टाइप का था, मैंने बहुत दिन से किसी के साथ हिंदी में ज़्यादा देर तक कन्वर्स नहीं किया इसीलिए, क्योंकि जो नया जॉब मिला है इसमें मुझे इंग्लिश में बात करना होता है, तो आजकल दिमाग उसी में ज़्यादा चल रहा है। हाँ ठीक है, ये सब क्यों बता रहा हूँ मैं। आपको ये पूरा ऑडियो कैसे लगा? आपको अगर अच्छा लगा, ऑब्वियसली अच्छा लगेगा क्योंकि ये हमने जो बनाया है और TRB है इसके अंदर, सो ऑब्वियसली अच्छा लगेगा ही लगेगा। ओ सॉरी, सो ये मैं दोबारा नहीं भूल पाऊँगा बेज्जती। सो यहाँ पे मैं आपसे फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।